हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 5.3 का तीन नंबर से। 5.3 का हम दो नंबर तक पहले वीडियो में बता चुके हैं। हमारा पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें। और अभी हम तीन नंबर पढ़ना शुरू करेंगे। तो तीन नंबर का पहला नंबर सवाल जो है आपका ये है, जिसमें आपका बोला गया है कि एक एपी में, यानी कि आपका एक एपी में ये सब चीज़ जो है दिया हुआ है और ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन अंतिम पद दिया हुआ है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एन। ठीक है, ये एन हम ज्ञात कर लेंगे। तो आपका सब कुछ दिया हुआ है, ए डी एन सब कुछ दिया हुआ है, एन ज्ञात करना है। यदि हम एन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा, हमारा एन निकल जाएगा। तो एन फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो एन दिया हुआ है 50, ए दिया हुआ है 5, एन नहीं दिया हुआ है, एन ऊपर निकालना है, और डी दिया हुआ है 3। ठीक है, तो एन हमारा आराम से निकल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम 50 ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे एन माइनस 1 फिर 3, तो कितना हो जाएगा 45 बराबर एन माइनस 1 3। अब ये क्या है, गुना में इधर आएगा तो बटे में, तो 45 बटे 3 बराबर एन माइनस 1 कट जाएगा। कितना बार में, 15 बार में। तो 15 बराबर एन माइनस 1, तो 15 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो एन बराबर कितना निकल गया आपका, 16। तो एक आंसर क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला आपको, एस एन ज्ञात करने के लिए, योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका एस एन बराबर एक फॉर्मूला हो जाएगा, एस एन का एक अथवा की यहाँ तक पद है, 16 पद है। ठीक है, 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है एस एन बराबर, ठीक है, चाहे आप एस लिखिए, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपका ये होता है एन बाय टू ए प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एस एन बराबर। तो यहाँ पे देखिए आपका एन क्या निकल गया आपका, 16 बाय टू, और ए क्या है आपके पास 5, और आपका जो ये एल है जिसको हम ए एन भी कहते हैं, लास्ट पद या अंतिम पद बाद बराबर हुआ। तो जो आपका एन है वही आपका एल होगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, 50, तो ये कटा दीजिए 8 बार में, तो 8 गुना 50 और 5 कितना हो जाएगा, 55। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम बस गुना कर लेंगे। तो 8 पचे 40, हाथ में 4, 8 40 4 44। तो ये आंसर हो जाएगा आपका एस एन बराबर। ठीक है, तो यही चीज आपको पूछ रहा था, एन और एस एन, या फिर इसको एस बोलिए, यो। तो आपका ये आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर इसका 2 देख लेते हैं। ठीक है, अब उसी तरह हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर सवाल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको और क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। आपको ए दिया हुआ है, ए एन यानी कि ए एन अंतिम पद आपका दिया हुआ है, और ये क्या है आपका एन। तो आपका एन भी दे दिया है और ए एन भी दे दिया है और ए भी दे दिया है। अब पूछ क्या रहा है, डी और एस एन ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो इसको हम इस टॉपिक को हम लेंगे, जैसे कि 13वां पद कितना है, 35 है, तो ए प्लस 12 डी बराबर 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ए का मान जो है दिया हुआ है 7 प्लस 12 डी बराबर 35, तो 12 डी 35 ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 12 डी बराबर 35 में 7 घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 28। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 28 बटे 12। अब इसको हम कटा लेते हैं, कितना बार में, 14 बार में, 6 बार में, फिर कटेगा किससे, तो ये कटेगा 3 बार में, ये 7 बार में। तो डी बराबर कितना आ गया आपका, 7 बटे 3। ठीक है, कितना आ गया आपका, 7 बटे 3 आ गया। तो आपका डी क्या हुआ, ये निकल गया। अब निकालना क्या बोल रहा है, एस एन। तो एस एन के लिए हम क्या करेंगे, एस के लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या था आपका, एन बाय टू ए प्लस एल। तो देखिए यहाँ पे एन क्या है आपका, ये आपका एन हो गया 13। ठीक है, यहाँ जो होता है मान वो क्या हो गया, 13 हो गया। तो एन आपका 13 है और ए क्या है आपके पास, तो 7 है, और एन यानी कि लास्ट पद इनकी ए एन कितना दिया हुआ है, 35। तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 बटे 2, ये तो कटेगा नहीं आपका,
और 35 और 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 45। अब इसको हम क्या करेंगे, कटा लेंगे, कटाइए 21 बार में, तो 13 गुना 21, ठीक है इतना हो गया। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, तो गुना करते हैं 21 को 13 से, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 7 2 कितना आ गया आपका, 273 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया योग बराबर। तो यही आपको पूछा गया था, दो नंबर सवाल कंप्लीट हो गया आपका। अब हम सवाल का सवाल देख लेते हैं, उसी तरह सवाल नंबर 3 को देख लेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए, यहाँ पे आपका ए 12 यानी कि आपका एन कितना दिया, 12 दिया, और ए एन कितना दे दिया है, 37 यानी कि आपको एन का मान दिया हुआ है, ए एन अंतिम पद का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है आपको, ए और एस 12 ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका डी एन ए एन सब दिया हुआ है, सिर्फ ए नहीं दिया हुआ है। तो ए ज्ञात करने के लिए हम क्या कौन फॉर्मूला ले सकते हैं, तो ए ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इससे हमारा क्या होगा, ए निकल जाएगा, क्योंकि सबका मान दिया हुआ है, सिर्फ ए का मान नहीं दिया हुआ है, ए का मान क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए कितना है, 37, ए कितना है आपका, सॉरी ए तो निकालना है, और एन कितना है, तो आपका एन ये होता है, ठीक है 12 12 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पे देखिए 37 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 गुना 3 हो जाएगा, 12 में 11 गुना 3, तो 37 बराबर ए प्लस 11 या 33, तो 37 में ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ पे क्या बच गया, ए, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, 37 में 33 गया तो 4। तो ये हो गया आपका पहला आंसर, ठीक है ए आपका निकल गया। अब बात कर रहा है एस 12 ज्ञात कीजिए, यानी कि योग ज्ञात कीजिए, आपका एन का मान दे चुका है वहां पे 12, ठीक, और ये एस ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला क्या था, एन बाय 2 ए प्लस एल, इसका दो फॉर्मूला होता है वैसे, लेकिन उतना बड़ा फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको, आपको सिंपल सा फॉर्मूला जो है इसका ये यूज कर लेना है, वो भी कीजिएगा उसमें आपका आंसर आएगा, लेकिन शॉर्टकट कीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें एन दे दिया है आपको, 12 दे दिया है, 2, ए कितना दिया हुआ है, ए आई भी आपने निकाला था 4, और एल कितना है, एल किसको कहेंगे हम, ए को कहेंगे, तो ए 37 यहाँ पे 37 ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है, तो 6 बराबर 37 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 41, तो 6 गुना 41 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, आपका 246 आएगा, ठीक है गुना करके देख लीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए और एस एंड एस 12 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे दर्शा सकते हैं, अगर नहीं तो भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं, अब हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। इसमें थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे पर कुछ नहीं है, इजी से है, इजी समझिए, मेरे बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपका, तीसरा पद जो है 15 दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा पद क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और दसवें पदों का योग जो है, दसवें पदों का योग जो है 125 दिया है, और बोल रहा है फिर क्या, डी और ए दसवां पद ज्ञात कीजिए, डी और दसवां पद। तो इसमें हम डी और दसवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो चीज दिया हुआ है उसी से हम पहले निकालेंगे। पहले आपको दिया हुआ है तीसरा पद 15, तो इसको हम दर्शा लेते हैं, तीसरा पद 15, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d बराबर 15, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसको आप देखिए यहाँ पे ना आपका ए का मान दिया हुआ है, ना डी का मान दिया हुआ है, ये तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे इसमें, अब क्या बोल रहा है, अगेन अगेन अब बोल रहा है कि दसवें पदों का योग है 125, इसका भी हम एक समीकरण बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे समीकरण, हम दसवें पदों का योग, योग बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका, अब हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या होता है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे समीकरण बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए एन कितना दिया हुआ है इसका, तो 10 दिया हुआ है, ये 10 क्या है आपका, एन है, तो 10 दिया हुआ है,
बाय टू हो जाएगा, टू ए का मान तो नहीं दिया हुआ है, फिर एन कितना है 10 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है, तो आपका डी जो है वो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और बराबर 125। ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 10 में गया तो 9, 9 गुना डी तो 9d, ठीक है, बराबर 125। तो 2a प्लस 9d बराबर 125, ये क्या आपका अभी गुना में है, इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो 5 यहाँ जाएगा, तो कटा लेंगे हम 2 बार में और 5 बार में कट जाएगा आपका, तो कितना आ गया 2a प्लस एन डी बराबर, सॉरी नो डी बराबर 25। समीकरण सेकंड, अब समीकरण सेकंड हमारा फर्स्ट और सेकंड क्या हो गया, तैयार हो गया, इसमें हम क्या करेंगे ए और डी कुछ भी निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे देखिए करेंगे हम समीकरण फर्स्ट गुना 2 से और माइनस सेकंड गुना 1 से करने पर, क्योंकि हमको कटाना है किसी को, यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है और यहाँ 2a दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको इसको बराबर कर रहे हैं, a को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ को 2 चाहिए, इसी कारण 2 से गुना समीकरण फर्स्ट में, तो गुना कर लेंगे समीकरण फर्स्ट को हम 2 से, तो पूरे को करेंगे हम, तो क्या होगा 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और सेकेंड में हम क्या बोल रहे हैं a से गुना करने पर, यानी कि जैसा का तैसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या बोले माइनस करने पर, घटाना है तो यहाँ पे कर लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा कट गया, यही चीज करने के लिए जो है हम ये चीज ट्राई किए घटाने के लिए, तो कट गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस 5d बच रहा है, और यहाँ पे बच रहा है आपका सिर्फ 5, ठीक है, तो 5 आपका बच रहा है, तो देखिए डी बराबर हो जाएगा 5/-5, तो कट के क्या हो गया डी बराबर -1, ठीक है, आपका कितना आ गया -1 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया पहला आंसर, ये आपका हो गया पहला आंसर। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि a दसवां पद ज्ञात करें, तो दसवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d होता है ये आपका, तो 9d a प्लस 9d, डी तो निकल गया पर हमारा ए नहीं निकला है, तो हमको ए भी निकालना पड़ेगा, किसके लिए, इसके लिए, ये चीज अगर आपको निकालना है तो हमको ए भी निकालना पड़ेगा, तो ए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या था आपका ए प्लस 2d बराबर 15, तो ए का मान निकालना है हमको, तो 2, डी का मान कितना आ गया -1 और 15, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा यहाँ पे और फिर 15, तो a बराबर 12, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना आ गया 17, तो आपका a कितना निकल गया 17 निकल गया। अब क्या बोला दसवां पद ज्ञात करने के लिए, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे दसवां पद बराबर क्या होता है फॉर्मूला a प्लस 9d, तो a है 17, 9 और d क्या है -1, तो क्या हो जाएगा 17 प्लस माइनस 9 गुना 1 9, कितना निकल गया 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 8, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि दसवां पद हो गया 8, तो हम इस तरह से इसका सबका आंसर निकाल देंगे, तो ये आपका चौथा सवाल भी बन गया। अब हम सवाल नंबर 5 को देखेंगे, इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है एस एन मतलब क्या आपको योग दिया हुआ है 75 और एन भी दे दिया है 9, ठीक है, तो निकालने क्या कह रहा है आपको ए और फिर 9वां पद, तो यहाँ पे देखिए आपका डी दे दिया है, एस एन दे दिया है, एन दे दिया है, सिर्फ ए निकालना है, इसमें हम कौन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि हमारा ए निकल जाए, तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन बराबर एन बाय टू और 2a प्लस एन माइनस 1d, तो हमारा क्या होगा a निकल जाएगा, क्योंकि सबका मान दिया हुआ है सिर्फ a का मान नहीं दिया हुआ है, इससे हमारा पक्का निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे s n दिया हुआ है आपको, पहले दर्शाएंगे यहाँ पे s 9 बराबर यहाँ भी 9 बाय टू फिर 2a
प्लस एन माइनस वन और डी। और फिर इसका मान कितना दिया हुआ है, पहले एन की जगह पे नो लिखे हैं, ठीक है, आपको फॉर्मूला में बैठा दिए हैं मान। और फिर यहाँ पे देखिए, सॉरी डी दिया हुआ है पाँच, ठीक है, डी पाँच। अब देखिए इसका भी मान दिया हुआ है कितना, पचहत्तर। और फिर नो वाई टू, फिर टू ए प्लस एन माइनस वन और डी है पाँच, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पचहत्तर बराबर एन वाई टू टू ए प्लस, सॉरी आपका जो है एन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एन क्या दिया हुआ है, एन आपका दिया हुआ है पहले से ही, तो नो में गया तो आठ, आठ गुना पाँच। तो देखिए यहाँ पे एन वाई टू टू ए प्लस आठ पचे चालीस, तो पचहत्तर बराबर एन वाई टू। और यहाँ पे देखिए इसमें वो कॉमन भी आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है टू, तो टू बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा ए और यहाँ बचेगा बीस, तो टू और टू खत्म हो गया, पचहत्तर और नो क्या होगा बटे में आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया आपका ए प्लस बीस बच गया, इसको कटा लेंगे हम तीन के पारा से, तो तीन बार में और यह दो और पाँच, इतना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका पच्चीस बटे तीन बराबर ए प्लस बीस, यह आ गया। अब हम बीस को क्या करेंगे, इस तरफ डालेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे पच्चीस बटे तीन, बीस माइनस में और बराबर यहाँ पे क्या ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एक हम दे सकते हैं, इसका फिर हम एलसीएम ले लेंगे, तो तीन आ जाएगा एक बार में पच्चीस और ये तीन बार में, तो बीस को तीन बार पढ़े तो कितना होगा साठ बराबर ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा साठ में, सॉरी माइनस साठ में, माइनस साठ में पच्चीस को घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस पैंतीस और बटे में तीन, तो आपका ए क्या हो गया, ये निकल गया, पहला आंसर आपका तैयार हो गया। अब बात किसका कर रहे हैं यहाँ पे, तो अब बात कर रहा है नौवे पद का, ठीक है, नौवे पद का बात कर रहा है, तो नौवा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस आठ डी, तो ए कितना निकल गया आपका पैंतीस बटे तीन आठ और डी कितना है आपके पास, तो पाँच है, तो पाँच, तो माइनस पैंतीस बटे तीन प्लस आठ बचे चालीस, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा एलसीएम तीन आएगा, एक बार में पैंतीस और ये तीन बार में, यानी कि चालीस को तीन बार पढ़ेंगे तो एक सौ बीस। अब हम ये प्लस में है तो एक सौ बीस में पैंतीस को घटाएंगे माइनस पैंतीस को, तो कितना आ जाएगा आपका, तो घटा के देख लीजिए यहाँ पे, तो पाँच और यहाँ पे ग्यारह में तीन गया तो आठ, कितना आ गया पचासी, तो पचासी बटे तीन हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, बड़े करके प्लस था इसी का यहाँ पे प्लस, तो ये आपका सवाल क्या हो गया बन गया। अब हम सवाल नंबर छः की बात करेंगे, तो सवाल नंबर छः को देखेंगे अब हम, अब हम सवाल नंबर छः को देखेंगे, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और योग जो है नब्बे दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है क्या एन और ए एन ज्ञात करने के लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एन वाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी और फिर ये होता है, तो आपका एस एन कितना दिया हुआ है नब्बे दिया हुआ है और एन तो आपका दिया हुआ नहीं है, इसको हम यही उतार लेंगे, ठीक है, और टू ए तो ए आपका दिया हुआ है टू और एन नहीं दिया हुआ है आपका, ठीक है, और डी कितना दिया हुआ है आठ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखेंगे एन बाय टू दो गुना दो चार हो जाएगा, इसे में दो गुना दो चार हो गया और यहाँ पे एन आपका दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आठ से जो है इसको गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आठ एन और फिर यहाँ पे आठ गुना एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आठ, ठीक है, इसको हम आठ से पूरे को गुणा कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नब्बे बराबर एन वाई टू और यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप माइनस आठ में चार को घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस चार और यहाँ पे आठ है।
यहाँ पे देखिए आपका माइनस चार प्लस आठ हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें आपका कॉमन भी आ रहा है ठीक है, लेकिन हम कॉमन क्या करेंगे, लेंगे नहीं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हम कर लेंगे, ये बटे में है, इस तरह का तो गुना में, तो 90 गुना 2 और ये n क्या इधर ही रहने देंगे ठीक है। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा और इस n को हम पूरे को गुना कर लेंगे, तो माइनस 4n और यहाँ पे 8n स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, 180 बराबर, इसको हम आगे लिखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ लिखते हैं ठीक है, जगह जगह पे हम इसको फिट कर दिए कि स्क्वायर वाला आगे होता है फिर एन वाला उधर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम कॉमन ले लेंगे ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आपका चार कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बचेगा एन, 2n स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ n, ये बचेगा। अब हम इस चार को बटे में ला लेंगे, 180 बटे 4 और यहाँ पे बचेगा आपका 2n स्क्वायर और n, ये बचेगा। इसको हम कटा लेते हैं, कितना बार में, 16, चार बार में, 2 इधर गया 5, तो कितना आ गया, तो यहाँ पे आपका आ गया 2n स्क्वायर माइनस n बराबर, बराबर कितना आ गया 45। इसको हम इस तरह से दर्शा के लिखिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2n स्क्वायर माइनस n, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा क्या 0। इसका ये क्या बन गया, आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण जब बन गया उसका हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको इसको गुणा करते हैं, तो 45 गुणा 2 90, फिर इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना से 10 से लेते हैं 9 बार में, तो 10 में अगर हम 9 घटाते हैं, 10 एन में 9 एन घटाएंगे तो हमारा 1 एन बचेगा, यानी कि ये पूर जाएगा हमारा, तो ये से हम ले लेते हैं गुणनखंड के रूप में इसके जगह पे ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस सॉरी प्लस 9n और फिर माइनस 45 बराबर 0। इसको इतना, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका 5n, यहाँ बचेगा सॉरी 5 नहीं 2n कॉमन आ रहा है ठीक है, और यहाँ बचेगा n और यहाँ पे 5, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 9 कॉमन आ रहा है और यहाँ बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। इसको हम एक बार उतारते हैं और फिर इसको हम एक बार उतारते हैं, यानी कि 2n प्लस 9 और बराबर में क्या है 0, तो एक बार 0 हम इधर देंगे और एक बार 0 हम इसमें देंगे ठीक है, तो n ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे देखिए 2n ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, और n बटे n बराबर माइनस 9 बटे 2। तो यहाँ पे आपका n का मान 2 को निकला है ठीक है, तो इसमें आपको क्या लेना है, ये वाला मान लेना है प्लस वाला ठीक है, ये वाला आपको मान लेना है, ये वाला आपको मान नहीं लेना है, ये क्या है, ये अमान्य है, इसका कोई मान अभी इसमें नहीं होगा एपी में, क्योंकि आपका सारा पद क्या है प्लस में है, आपका माइनस में कोई भी आएगा ही नहीं, तो ये हमारे एपी में नहीं हो सकता है, अतः यह अमान्य है ठीक है। तो ये हमारा n क्या हो, ये n निकल गया जो कि आपका आंसर हो गया इसका ठीक है। और अब बोल रहा है a n ज्ञात करने के लिए, तो a n ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, a प्लस n माइनस 1 d, तो यहाँ पर देखिए a आपका निकल गया कितना 2 है ये आपके पास, और n कितना निकले हैं 5 1 और d कितना है 8, तो 2 प्लस 4 गुना 8, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 चौके 32, कितना आ गया 34, यानी कि आपका ए एन कितना निकल गया 34 आंसर, तो एन और ए एन पूछा आपसे तो ये आप मान निकल गया आपका, तो 6 नंबर सवाल हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 7 देखेंगे जो कि हमारे वीडियो का लास्ट सवाल होगा। अब हम सवाल नंबर लास्ट देखेंगे 7 ठीक है, आपका सवाल 10 है, हम 7 नंबर देखेंगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको a दिया हुआ है, अंतिम पद या l कुछ भी बोलिए, आपका a n भी इतना होगा और l भी इतना होगा, तो a दिया हुआ है, अंतिम पद भी दिया हुआ है और फिर योग जो है इतना दिया हुआ है और n और d ज्ञात करने बोल रहा है, तो आप n ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लीजिएगा, क्या आपको दिया हुआ है और क्या चीज को चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पास a है, एल है और योग है, तो सोचिए कि एन किस में निकलेगा, कौन से फॉर्मूला में,
यदि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एस बराबर एन बाय टू ए प्लस एल, इसमें हमारा क्या होगा, वो मान निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि एस हमको दे दिया हुआ है, इतना दिया है, इतना दिया हुआ है, और एन हमको निकालना है, और ए भी दिया हुआ है, और एल या एन बोल के दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये एन जो है निकल जाएगा। यदि हम इसके जगह पे कोई और फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा क्या होगा, फंस जाएगा, हमारा जो है एन मान साफ साफ से नहीं निकलेगा। तो हमको एक दिमाग लगाना है कि क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज करें जो कि ये मान वहाँ निकल गया है। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सबका मान दिया हुआ था लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ है, यानी कि इस फॉर्मूला से ये चीज़ निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 210 बराबर एन बाई टू, और यहाँ पे 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा, 70। तो 210 बराबर एन बाई टू और गुना 70, तो ये कट जाएगा 35 बार में। तो 210 35 गुना एन, तो 35 एन, 210 बराबर एन, और ये 35 गुना में है इधर आएगा तो बटे, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो एन कितना आ गया आपका, 6। तो ये आपका एन निकल गया। तो यही आपको दिमाग लगाना होता है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें किस जगह पे। तो आपका एन निकल गया, ठीक है, ये चीज़ आपका निकल गया। और हमको क्या बोला कि यहाँ पे देखिए डी ज्ञात करने के लिए, तो हम डी ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लें। तो अब देखिए आपका ए भी आ गया, ए एन भी आ गया, एन भी आ गया, अब डी क्या है, आराम से निकल जाएगा कौन सा फॉर्मूला में, तो ए एन के फॉर्मूला में, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का मान 62, ए का मान 8, एन का मान कितना, 6, और डी निकालना है। 62 बराबर 8 प्लस 6 में एक दिया 5, 5 डी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 62 ये प्लस में इधर आके माइनस में, और यहाँ पे 5 डी। तो 62 में 8 जाएगा कितना बचेगा, 54, और यहाँ पे 5 डी। तो 54 ये गुना में इधर आएगा तो बटे में बराबर डी। तो डी बराबर कितना आ गया आपका, 54 बटे 5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको यही पूछा था एन और डी, तो एन भी निकल गया आपका और डी भी निकल गया। तो इस तरह से आज हम 7 नंबर का सवाल सॉल्व किए हैं। कल के वीडियो में आपको हम 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और इसके बाद उसके बाद जो भी है वो हम बता देंगे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देखते जाइए, और समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए, ठीक है, और रिवाइज करते रहिएगा। और हमारा पहले वीडियो जिसे नहीं देखा है उसे आप जरूर देख लें ताकि आपको आगे वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो जब पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर लिया कीजिए, और थैंक यू।